अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियाँ दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल लाहौरी कढ़ी की। बनाना बिल्कुल अलग अंदाज है, मुनफरिद तरीका है। इस तरह की कढ़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। इस रेसिपी को आप फॉलो करें, घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। लाहौरी स्पेशल कढ़ी बनाने के लिए मैंने 3 जवे लिए हैं लहसुन के, और मैंने लिया है 1/2 कप घी का लिया। 1/2 कप घी के अंदर मैं ये डाल दूंगी। 3 जवे लहसुन के बारीक मैंने चॉप कर लिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने पहले ही से फ्राई कर लिया हुआ था। 1 प्याज मैंने फ्राई किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हमने हल्का सा बस फ्राई करना है, और क्योंकि ये फ्राई हो चुका है इस टाइम आकर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। 1/2 ग्लास मैं इसके अंदर पानी का डाल दूंगी। अब हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे यहाँ तक के घी अलग हो जाए मसाले से। इसको अभी 2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। मसाला तैयार हो चुका है। ये मेरे पास चाटी की लस्सी है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने ये पानी लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 कप बेसन के डाल दूंगी इसके अंदर। कढ़ी मैं बनाने लगी हूँ, 1.5 मेरे पास किलो बेसन है जिससे मैंने ये कढ़ी बनानी है, और इसके मैंने पकोड़े भी निकालने हैं। 1.5 किलो मेरे पास बेसन है, 3 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और बाकी जो है बेसन बचेगा उसके मैं पकौड़े तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसकी गुटलियाँ बन जाती हैं, मोटा मोटा सा रह जाता है वो नार है, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए बेसन। 3 कप बेसन के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। ये आप देख सकती हैं इसमें कोई गुटली नहीं हुई, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। इसको अब हम डालते हैं कढ़ी के अंदर। ये सारा हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे जो मिक्स किया था बेसन, और हमने इसका चम्मच चलाते जाना है। हम चम्मच को तब तक चलाते जाएंगे, हाई फ्लेम किया हुआ है, जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। अगर हम चम्मच को नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाती है। अच्छी तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हम चम्मच को चलाना छोड़ देंगे। कढ़ी पकना शुरू हो चुकी है। इस टाइम आकर जब हम देखेंगे इसको बॉयल आ गया है, तो मैंने इधर 3 अदद आलू लिए हैं। आलुओं को मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया है, इस तरह से स्लाइसों में आपने भी इसको काट लेना है छोटा छोटा सा। ये सारे आलू 3 अदद आलू है, ये इसके अंदर डाल देंगे। कच्चे आलू है, मैंने इसको कोई फ्राई नहीं किया। 1 अदद मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। कढ़ी को बॉयल आ चुका है, इस टाइम आकर मैं इसको 1/2 कवर कर दूँगी, और इसको हम 1/2 घंटा लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये जो कोफ्ते तैयार किए हैं, ये सारे कोफ्ते मैं कढ़ी के अंदर डालने लगी हूँ। कोफ्ते सारे मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सूखी मेथी वो डाल दूंगी। इससे इसका जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा आता है जब सूखी मेथी डालते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 10 मिनट हम इसको पकने देंगे ताकि ये जो कोफ्ते डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर डालने के बाद सेट हो जाए, गल जाए। जो मैंने कोफ्ते डाले थे उसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखें वो अच्छे हाथ से गल चुके हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से जैसे इसको होना चाहिए था ये वैसे हो गए हैं तैयार। ये कोफ्तों की रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल में दी है, आप मोती कोफ्तों की रेसिपी देख लें मेरे चैनल में। मैंने इसकी अलग रेसिपी इसलिए दी है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और लोग इतनी जो वीडियो लंबी नहीं देखते, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आपको दे दी है। इस रेसिपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकती हैं, जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं। अब मैं इसके अंदर पकोड़े डालने लगी हूँ। पकोड़ों की रेसिपी भी मैंने आपको अपने वीडियो में दे दी है, वो भी आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकती हैं।
तो ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं, ये पकोड़े मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये बहुत मज़े के पकोड़े तैयार हुए हैं। इसी रेसिपी के साथ आपने ये पकोड़े बनाने हैं, स्पेशल लाहौरी कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। ये वीडियो आपने इस तरह की कढ़ी किसी ने अभी बनानी नहीं सिखाई होगी, बिल्कुल नए अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में ये मैंने आपको बनानी बताई है कढ़ी। जब कढ़ी तैयार हो जाए, मैंने पकोड़े डाले हैं 5 मिनट, इसको भी पकते हुए हो गए हैं। इस टाइम आकर ये मैंने अंडे लिए हैं, अंडे आपने जितने डालने हैं उतने डाल लें। अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूंगी। आप देख सकती हैं ये कढ़ी इतने मज़े की बनती है, देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कढ़ी वाकई बहुत मज़े की बनी है। अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। कढ़ी तैयार हो चुकी है, फ्लेम को इस वक्त मैं आकर ऑफ करने लगी हूँ और हम तड़का शुरू करते हैं। इसका तड़के का मटेरियल तैयार, तड़के के लिए मैंने 1 कप घी का लिया है। घी इसमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा डाला, मैंने जीरे का डाल दिया है। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस टाइम आकर मैं इसके अंदर गोल लाल मिर्चें जो होती हैं वो 8 से 10 अदद गोल लाल मिर्चें डाल दूँगी। वो अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ये चीज़ें डाली हैं उसका असर घी में आ जाए। तड़का तैयार हो चुका है, आइए इसको अब कढ़ी के ऊपर इसको लगाना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप कढ़ी को बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। इसी रेसिपी को फॉलो करें, इसको ज़रूर घर में बनाएं। लाहौरी स्पेशल कढ़ी, लाहौर की ये सौगात है और ये बहुत मज़े की बनती है। लाहौरी स्पेशल कढ़ी आपने कभी नहीं खाई होगी जिस रेसिपी के साथ मैंने ये बनाई है। इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है, बनानी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कढ़ी कितने मज़े की है। इस तरह की कढ़ी आप लाजमी घर में बनाकर सब घर वालों को खिलाएं, ये मुझे यकीन है कि सब घर वालों को बहुत पसंद है। इस टाइम आकर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इसी रेसिपी के साथ आप घर में बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये स्पेशल कढ़ी कैसी लगी है। ओके, फिर मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।